रूसिया नॉर्वे बॉर्डर के पास कोला पेनिसुला में एक 12,262 मीटर या 40,230 फीट गहरी एक होल मौजूद है। यह पृथ्वी की सबसे गहरी मैनमेड होल है। कुछ लोगों का मानना है यह से नरक में जाया जा सकता है, या कि रहने वाले लोग गहरे विश्वास के साथ ये कहते हैं कि इसके अंदर से नरक की टॉर्चर किया गया आत्माओं की चीखें सुनाई देता है। रूसिया जब इस होल को खोद रहा था, ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट थी। रूसिया ने सोवार को ये कहा कि यहाँ पर पानी की संधान मिला है, जो वेस्टर्न साइंटिस्ट बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि साइंटिफिक कल्चर में तब माना जाता था 5 किलोमीटर डीप पृथ्वी की कास्ट इतना डीप होता है जहाँ पर पानी की होना नामुमकिन है। पर यह होल कोई नर्क की दरवाजा नहीं है, कोल्ड वॉर के समय एक दूसरे के साथ लड़ाई की एक हिस्सा है। इस समय सुपरपावर्स पृथ्वी के अंदर मिनरल्स और रिसोर्सेज की खोज करने के लिए पृथ्वी की सरफेस की जितनी डीप हो सके उतनी डीप खोदने की और अंदर से कलेक्ट किया गया सैंपल्स की जांच करने के रेस में थी। इस होल को 1970 की 24 मई को खोदना शुरू हुआ था। 1979 में ये उस समय तक जितना होल खोदा गया था उनमें से डीपेस्ट होल की रिकॉर्ड बनाया, और 1989 में ये अपनी और आज तक की सबसे डीप आर्टिफिशियल पॉइंट तक पहुंच गया था। पर पृथ्वी के अंदर की रॉक्स और मिनरल्स की सैंपल साइंस में उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी की चांद से लाया गया मिट्टी। इसी इम्पोर्टेंस की वजह से ऐसे 100 से ज्यादा साइंटिफिक प्रोजेक्ट आज के कोर में जान के प्रेस में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे यूएस के प्रोजेक्ट मोहोल और जर्मन कॉन्टिनेंटल ड्रिलिंग प्रोग्राम। स्पेस इंजीनियरिंग जैसे एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, ऐसे ही आज की कास्ट को ड्रिल करना भी एक स्ट्रॉन्ग कटिंग एज टेक्नोलॉजी की डेमोन्स्ट्रेशन है। कोला सुपर डीप बोरहोल की रिसर्च आज के इनर एटमोस्फेयर के बारे में बहुत सी नई चीजें सामने लाई। जैसे पहले माना जाता था पृथ्वी के अंदर जाते रहोगे पर किलोमीटर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ती है, पर इस रिसर्च के बाद पता चला ये रेट 20 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ती है। इस होल की ड्रिलिंग के दौरान बहुत गर्म मार निकल रहा था, जो बहुत मात्रा में हाइड्रोजन नाइट्रोजन और CO2 से भरा हुआ था, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, स्पेशली हाइड्रोजन की होना। ये कुछ सिंपल चीजें थी, पर ऐसे बहुत से साइंटिफिक घटनाओं के बारे में हमें जानने को मिला इस साइंटिफिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट से। कोला सुपर डीप बोर होल पृथ्वी की सबसे गहरी होल हो सकता है, पर पृथ्वी के अंदर सबसे लंबी होल या लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल अर्थ होल है कतर की अल साइन ऑयल वेल, और अर्थ के अंदर किया जा रहा बड़ी साइंटिफिक प्रोजेक्ट अभी कम देखने को मिलता है, क्योंकि इससे डायरेक्ट को इकोनॉमिक सक्सेस की चांस बहुत कम होता है। और स्पेस प्रोजेक्ट के ऑपोजिट ऐसी प्रोसेस में हर बार नए रास्ता और बिल्कुल अननोन चुनौतियों की सामना करना पड़ता है। सो यहाँ पर रूसिया को सक्सेस तो मिली, पर इस रिसर्च में कोई स्पेसिफिक गोल नहीं था, पर ये कूल अचीवमेंट है। हमको इससे पता चलता है हम हमारी प्लैनेट के बारे में कितना कम जानते हैं। पर कोई बात नहीं, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना भी जरूरी है।